हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये मसालेदार भिंडी बनाना सिखाऊंगी। आइए अब बनाते हैं हम अपनी भिंडी। भिंडी बनाने के लिए पहले हम लेंगे ये आधा किलो भिंडी, जो मैंने पहले से ही काट ली थी। ये दो बड़े प्याज, ये भी मैंने काट लिए हैं। 4 से 5 हरी मिर्च, 2 से 3 लहसुन की कलियां, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्च और आधा चम्मच हल्दी। आइए हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। अब तेल में डालेंगे हम थोड़ी सी हींग। हींग के बाद हम डालेंगे ये लहसुन की कलियां। इनको हल्का ब्राउन करेंगे। लहसुन को हल्का ब्राउन होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को भी जब तक चलाएंगे जब तक ये हल्की ब्राउन नहीं हो जाती। आप देख सकते हैं प्याज हल्की ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे भिंडी और इसको अच्छी तरह चलाएंगे। अब हम भिंडी को 10 मिनट तक ढककर पका लेंगे। 10 मिनट पकने के बाद हम भिंडी का ढक्कन हटाते हैं। आप देख सकते हैं भिंडी कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। फ्राई होने के बाद अब हम भिंडी में डालेंगे ये सारे मसाले। मसाले डालने के बाद हम भिंडी को अच्छी तरीके से चला लेंगे, जिससे सारे मसाले भिंडी पर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अब हम इसको दोबारा 10 मिनट के लिए ढक देंगे, उसके बाद हमारी भिंडी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं भिंडी बिल्कुल बनकर तैयार है। मैं भिंडी में ये मैगी मसाला डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी मसालेदार भिंडी बिल्कुल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितनी देखने में टेस्टी लग रही है। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरा चैनल लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।